Brahmacharya is limited to their home culture. अपनी कुल में, अपनी क्लान में जो भी पूजा पाठ रीति नीति था उसको कुलाचार कहते हैं। Then comes लोकाचार, the combination of कुलस, तीन चार जाति मिलकर, 3 to 4 ethnic groups constitute a village, constitute a locality, and the culture and the tradition they follow there is called लोकाचार। Then comes देशाचार, in Indian terminology देशाचार। For instance, if I give one example of this कुलाचार, देशाचार, लोकाचार and शिष्टाचार, it will be very evident to you. Let us take Rajasthan. Rajasthan is a vast state. In that Rajasthan, there is a community called Wagdi. The Wagdi people have their own kulachar. When the Wagdi, Bhil and Meena join together, they constitute the lokachar. That locality is called lokachar. When it comes to Udaipur area, रियासत को जब चलाता है तो वहां एक देशाचार बनता है। और ऐसे अगर सात आठ राज घराना मिलकर देशाचार मिलाने से एक शिष्टाचार बनता है, और वही शिष्टाचार भारत का जो सांस्कृतिक ज्ञान है और जो भारत के जो ज्ञान व्यवस्था है उसका प्रतिफलन मिलता है। सो गंगा इज नॉट वन गंगा, देयर आर 16 गंगाज इन दिस कंट्री। हम तो गंगा को एक ही मानते हैं, लेकिन पश्चिम उड़ीसा में कलाहानी में 16 गंगा, 16 सिस्टर्स मानते हैं। एंड दैट 16 सिस्टर्स हैव कम फ्रॉम द संस्कृत टेक्स्ट कि गंगेश्च जमुनेश्चैव गोदावरी सरस्वती। और टोटल नदी का नाम लोग नहीं ले सकते, 16 नदी का नाम, बट 16 सिस्टर्स ऑफ गंगा इज वेरी वेल एम्बेडेड इन द कलेक्टिव माइंड ऑफ द पीपल।